ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਨੂ ਰੁਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤਾਂ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸ਼ੇਕ ਚਟਨੀ ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਯਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੋ ਉਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇ ਖੋਜਤੇ ਖੋਜਤੇ ਹਮ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੰਨੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਚਾਹ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ये गन्ने की नेचुरल चाय है और इसमें गन्ने के जूस में हम मसाले डालते हैं और उसके चाय तैयार करते हैं और ये आपने इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग चीज अलग ही मिलेगा चाय पत्ती नहीं पड़ती है सिर्फ नहीं नहीं इसे ये खास बात है इसमें चाय पत्ती नहीं पड़ती है दूध नहीं पड़ता पानी नहीं पड़ती और चीनी भी नहीं पड़ती गल करिए तो ग्रीन टी होगी तरीके एक तरह से ग्रीन टी है अगर आप इसको पियोगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट की गन्ने ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਤੂ ਗੰਨੇ ਕੀ ਕੁਲਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਔਰ ਜੈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਗਾਓ ਕੁਛ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹਮਨੇ ਸਭੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਖੋਜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹਮ ਇਨਕੋ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਕੋ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਉਗਾਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਮ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੇਚਰਲ ਹੈ ਨੇਚਰਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਤੋ ਆਪਕੋ ਤੋ ਜੂਸ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਖਿਲਾਣੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ऐसा जी खाने को तो हम गुड़ शक्कर बहुत टाइम से खा रहे हैं लेकिन पिछले टाइम से कुछ ऐसा हो गया हर आदमी पैसा कमाने के लिए केमिकल केमिकल ज़्यादा मात्रा में पैदा कर रहा फसल हम उससे थोड़ा अटके खाते हैं ये समाज में केमिकल फ्री खाना दें अच्छा भोजन लोग को जब देता है तो ये सारा सामान हम केमिकल फ्री करना है जो हमारा उससे बनाते हैं तो अलग अलग टाइम है जी सबका पीरियड भाई साहब को 3 साल हो गए मैं 1 साल से जुड़ा हूँ और ऐसे आगे किसान जुड़ते जा रहे हैं ट्रेनिंग सबके लिए फ्री है एक दूसरे को सिखाते हैं तो जैसे इनको जितना ज्ञान है ये मेरे को फ्री में सिखा रहे हैं मैं जितना सीख जा रहा हूँ उनको फ्री सिखा रहा हूँ ये सब ऐसे मुझे 1 साल हो गया लगभग मैडम जी पूरे हरियाणा और पंजाब में धरती का जो क्राइटेरिया है वो बड़े जिम्मेदार से ऑटोमेटिकली छोटे जिम्मेदार हो रहे हैं ये तो आप समझते हैं तो इस कारण से ताकि छोटा जिम्मेदार ऑर्गेनिक प्लेटफार्म पे आए और जो भी मतलब के ऑर्गेनिक तरीके से उगाए तो वो सीना ठोक के अपने जो माल को अपने रेट बेच सकता है क्योंकि उसके माल का वो स्वयं रेट तय करेगा और उसका शुद्ध मतलब जो माल है वो एकदम शुद्ध होगा चाह तो सुनी सुनी सी मैं थे गन्ने की जलेबी जो है जिदा ना रखा गया गनेरी वो भी मिलती है तो वो किवे बनती ये तो जैसे गन्ने की गनेरी को काट के ना जी तो जैसे कुकर में मतलब के वो स्टीम दे के ना तो चटनी के साथ उसको सर्व करते हैं ये तो गन्ने की जलेबी आपने सही क्वेश्चन किया है तो गन्ने की जलेबी नाम रखने पे हमारा अलग मकसद था जो हम इसको गन्ने को काट के और गर्म करके फिर इसको चटनी जैसे जलेबी से रस निकलता वैसे गन्ने से रस निकलता है हमने वो लॉजिक लगाया था अगर जैसे जलेबी से रस निकलेगा वो हमारे गन्ने से रस निकलेगा और उसको इसलिए हम इसको इसका नाम रखा था हमने गन्ने की जलेबी तैयार जलेबी हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਤਨਾ ਕਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੋਕ ਮੈਡਮ ਮੈਂ
बहुत ही ज्यादा उत्साह है। हम अलग अलग लोकेशन पे अपने ये इवेंट करते रहते हैं और जो हमको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को भी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। रेट कि तय किए गए हैं, कई बार होता कि चीज आप अनोखी बनाते वक्री बनाते तो प्राइस उधर हमेशा हाई होंगे। नहीं नहीं नहीं, हम प्राइस भी हमारा ठीक है पर ये नेचुरल भी नेचुरल चीजें हैं और प्राइस में तो थोड़ा बोलते ऊपर नीचे होगा ही। दोस्ती की तरह कितने गन्ने की चाह जो है ग्रीन हर्बल टी कह लिए तो आप वो गलत नहीं होएगा, गन्ने की जलेबी भी जो है वो बन सकती है। सुन के मैं बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन थानू दस दिए कि गन्ने के नाल नाल बहुत सारी चीज़ा बन सकती ने। गल है किसानों के वालों एक इनिशिएटिव जो है वो लिता गया है ता जो वो भी एक बेहतर जिंदगी जी सकन, लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान कर सकन। कैमरामैन दीपक के नाल नीरू पिछलवाल दैनिक सवेरा टीवी। बाबा सुल्तान जी गोल्ड मैडलिस्ट तुहाडे शहर विच पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार देखो, देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप उत्ते भी कॉल कर सकते ने, घर बैठे 11 मिनटां विच 101 फीसदी गारंटी नाल समाधान, वशीकरण अते मुठ करनी दे माहर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार विच परेशानी, घर च झगड़ा बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी विच अणबन, जादू टूना मनमोहनी वशीकरण करवाना या तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुसे नू मनाउना प्यार मुहब्बत। बाबा सुल्तान जी 87913 88 830।